अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र सर। आज पीटीआई ने फार्म 45 के हवाले से एक एहतजाज की कॉल दी, पूरा मन एहतजाज। हमने देखा कि पूरा लाहौर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। बस देखें, जब बादशाहत होती है एक मुल्क में, जमहूरियत नहीं होती, आइन नहीं होता, बुनियादी हकूक नहीं होते, तो फिर ऐसे ही होता है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट के रिएक्शन में आप पूरे लाहौर की पुलिस को जीपीओ चौक इकट्ठा कर लें। जैसे लाहौर में डकैतियां होना खत्म हो गई हैं, जुर्म होना खत्म हो गए हैं, जो पुलिस है जिसका काम है माशरे में, आपके मुल्क में, आपके सूबे में, आपके शहर में जुर्म खत्म करना, उनको आप लोगों के ऊपर मुसलत कर देते हैं कि आप यहाँ पे अपनी उनकी जुबान बंदी करने के लिए, उनका राइट टू प्रोटेस्ट पामाल करने के लिए आप इस तरह के कंडे इस्तेमाल करने लग जाए, तो फिर अफसोस का मकाम है, बल्कि शर्मनाक हरकत है ये। हमने तो सोचा था चलो जाली मैंडेट की हुकूमत है, कम से कम सियासी लोग तो है, मोहसिन नकवी की तरह कोई जालिम लोग तो नहीं है, हिटलर तबीयत, लेकिन ये भी उनसे दो हाथ आगे हैं। हमें तो कभी इधर हाईकोर्ट को किसी ने ताला नहीं लगाया, यहाँ तो पार्किंग को ताला लगा के बुकला को अंदर बंद कर दिया। अभी दोनों तरफ से कॉन्फ्रेंस कर दिया है, अगर गिरफ्तारी है तो गिरफ्तारी देंगे, वो दे देंगे यार। साथ है, हमें हमें गिरफ्तारी से बिल्कुल डर नहीं लगता, वो इसलिए कि हमारा लीडर किया का माबूद हुआ, अय्या का नस्ता इन से शुरू करता और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह को हम खत्म करेंगे। हमें पकड़े, हमें जेलों में ले जाओ, हम जब कभी हमारी सीट वापिस नहीं देंगे। 185 सीट है हमारी, जब तक वापिस नहीं आएगी अल्हम्दुलिल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे हम? चाह रहे गिरफ्तार, आज ये क्या हो रहा है मरियम नवाज की तारीफ में? आज आपके सामने है जी 17 सीटों वाले वजीर आजम बने हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे चोर बाजारी लगाई है, इंशाल्लाह ये नहीं चलेगी, हम नहीं चलने देंगे। हमारे लीडर का हुक्म है कि इंशाल्लाह ताला जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम सड़कों पे रहेंगे, हम अपना इंसाफ लेके रहेंगे। आप बेबाकी से बोल रहे हैं, आपको डर खौफ नहीं है? कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं, जान से तो मार नहीं सकते, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके साथ लड़ेंगे और मरेंगे भी। अलग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आम ने खौफ के बुत तोड़ दिए है। आज तहरीक इंसाफ न सिर्फ शहर लाहौर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से निकले हैं इंसाफ के लिए, पूरे में एहतजाज के लिए, ये खौफ के बुत तोड़ दिए है। मरियम नवाज कलका की दावा करती रही कि मेरी कायदे में कुछ ऐसा मसला नहीं होगा, हम लोग तमाम लोगों के सिरे में, और आज भारी नफरी हम लोग यहाँ पे मौजूद देख रहे हैं। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर फोरम पे कहा कि पुरमन एहतजाज होगा, हम पुरमन लोग हैं, हमने जो पिछली दफा 9 मई को इश्तियाल अंग्रेज जो लोग शरपसंद दाखिल हुए थे हमने उनके रास्ते रोक लिया है, हम पुरमन लोग हैं, अपने हक के लिए खड़े हैं। हमारा आए शहजाद फरूख साहब को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है, तो शहजाद फरूख साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये देखिए कि शहजाद फरूख साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रिजन वैन में इनको डाला जा रहा है, शहजाद फरूख साहब को प्रिजन वैन में डाल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि शहजाद फरूख साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, जो लीड कर रहे थे इस रैली को शहजाद फरूख को गिरफ्तार कर लिया, दूसरी तरफ हाफिज निशान को भी गिरफ्तार करने की इत्तला आ रही है, हाफिज निशान साहब को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया दोबारा। निशान साहब क्या कहेंगे, ये पुलिस की बदमाशी देखो कि ये किस तरह दखल कर रही है। हाफिज निशान को तो हाफिज निशान साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, मियां शहजाद फरूख को भी गिरफ्तार कर लिया गया, आप देख सकते हैं कि किस तरह ये गिरफ्तार किया गया है। आप शहजाद भाई ये क्या करेंगे, बार बार गिरफ्तार करते हैं, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं अंदर ही काम करेंगे। अभी पहुंचे और गिरफ्तार कर लिया? मैं तो अभी रिहा हुआ जी, 2 दिन पहले इन्होंने मुझे फिर रेस्ट कर लिया आपके सामने है। इतना खौफ किस चीज का है? हर जगह करके देखा कि पुलिस ये पुलिस की आपके सामने भारी नफरी, हमारी रैली के वजह से ये इन्होंने डंडे बरसाए और हमारे लोगों को मारा पीटा, ये आप सब मीडिया वाले भाइयों के सामने है। लेकिन ये मरियम नवाज जो हमारे साथ खा रही है, इंशाल्लाह आपने ये मनाजिर देखे हैं कि किस तरह आप
हाफिज शाम को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके साथ साथ मियां शहजाद फारूक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फसकाइयत का जो दौर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आप देख सकते हैं कि याजी साहब भी आगे, रेनी लेके आगे, शबीर गुजर भी आगे हमारे साथ, वो आगे हम फैमिली के खिलाफ निकले हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो मुल्क में इस वक्त अनार्की का जो मौसम चल रहा है, ये जंगल का कानून बना हुआ है, हम इसके खिलाफ है और इमरान खान की कॉल पे हम बाहर निकले हैं, हम प्रोटेस्ट पे निकले हैं और ये जो धांधली शुदा इलेक्शन हुए हैं हम इसके खिलाफ है और उसी पर हम एहतजाज करते हुए पुरानी तरीके से हम अपने अपने मुकाम से निकल रहे हैं। के गेट के लिए बंद कर दिए गए हैं, मुझे पता चला है कि देखो आपके सामने अपनी फौज खड़ी है और हम लोग ये बुत जो है ऑफ तोड़ के बाहर निकले हैं, क्योंकि इस मुल्क को जरूरत है कि इस मुल्क में जो है इमरान खान बाहर आए और असल हुक्मरान जो है जिसको वोट पड़ा है, जिसका मैंडेट है, उसको जो है उसको हुक्मरानी दी जाए। सर जो जीते हुए मैं खुद यहाँ पे आपको मालूम है आप आरोप से जीता हूँ, लेकिन अगर आपको हरा दिया गया पेशा वाले से जो है हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं करते हैं सबको रिहा किया जाए, सबको संसार रिहा किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए, तमाम जो हमारे लीडर्स हैं उनको रिहा किया जाए, तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए। क्या कहेंगे ये रैली कब तक चलेगी? आप हम जूते हम अकबर चौक से निकले थे, हमने 127 की रैली लेके अब हम यहाँ झुकी है, हमारा चौक पॉइंट है, यहाँ पर हम छापे इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह ताला आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा है गिरफ्तारी के बावजूद भी पीटीआई के जो कारकुन है जीते जीते रोड आप देख सकते हैं पूरी तरह का भर चुका है। तो ये जो फसकाइयत का निजाम है इसके खिलाफ आज लाहौर की आवाम जो है निकल आई है बाढ़ चुके थे, आपने देखा कि खालिद गुजर शबीर गुजर ग्रुप जो है वो भी आ गया, आगे दोबारा से गिरफ्तारी की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि पब्लिक जो है वो पूरा अमन है, किसी के पास कुछ नहीं है, कल को ये पेट्रोल बम बरामद कर ले या जो मर्जी बरामद कर ले, ये आप देख रहे हैं कि ये गिरफ्तार किया जा रहा है कारकुनान को, ये कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पुलिस जो है ये उन्हें आई है कारकुनान को, पुलिस जो है उन्हें आई है कारकुनान को, आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो गिरफ्तारियां शुरू कर दी है पुलिस ने। असलामुअलैकुम शाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये क्या है चारों तरफ पुलिस ही पुलिस, सारा लाहौर कार्डन ऑफ किया हुआ है? देखिए इंतजामिया ये कहती है कि दफा 144 का नफाज है और इस नफाज के तहत जो है वो कहीं पर भी 4 से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते, तो उस पर अमल दरामद करते हुए पुलिस जो है वो यहाँ पर जो भी एहतजाज कर रहा है उसे गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कॉल दी गई थी कि वो मुल्क भर में हफ्ते के रोज जो है वो एहतजाज करेंगे और आज इस एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर पहले, चंद सेकंड्स पहले जो है यहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां शहजाद फारूक, जिन्होंने मरीम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, जिशान रशीद जो अलीम खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनके साथ कारकुनान आए थे यहाँ पर, उन्हें जो है वो हिरासत में। जिशान तो अभी कोई 10 माह की कैद काट के वापस आए थे कुछ दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें मेरे ख्याल में एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता हुआ है और इसके साथ जो शहजाद फारूक है वो भी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जो गुज़िश्ता एहतजाज था दामली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस वक्त भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था और वो भी अभी कुछ चंद दिन ही हुए हैं वो उन्हें रिहाई मिली है और आज फिर दोबारा उनको जो है वो हिरासत में ले लिया गया और यहाँ से उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है कि आगे का नतीजा क्या निकलेगा। देखिए ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह जो है ये एहतजाज भी होते रहेंगे और जो है वो अब देखना ये है कि मरियम नवाज जो है उनकी हिकमत अमली क्या है, क्या असेंबली सेशन आसानी से चल पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि असेंबली सेशन जो है वो आसानी से हो सकेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हिकमत अमली से जो है वो आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आपको इसके लिए जो है वो बैठना होगा, आपको बैठ कर मुज़ाकरात करने होंगे, टेबल टॉक करनी होगी और उसके बाद ही ये सारी चीजें हो सकती है। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। क्रॉस करेगा उसको।
बिल्कुल किया जी उन्होंने, हमने बंद नहीं किया। जब उन्होंने हमसे टाइम बाउंड एक एक्टिविटी की थी, जैसे उन्होंने अपना टाइम क्रॉस किया था फिर हमने उनसे दोबारा बात की, गिरफ्तार उनको किया जिन्होंने यहाँ पे पुलिस के सारा कानून हाथ में लिया। हमने लीडर तो नहीं देखा, हमने तो देखा कि कौन कानून में हाथ जाता है, चाहते ही किसी को। मैंने तो सिर्फ देखा कि कानून हाथ में कौन ले। लाठी चार्ज का मतलब आई डोंट नो आपकी नजर में क्या है, कोई भी कानून हाथ में ले रहा हो। हमें भी मार पड़ी है, ड्राइवर को भी मार पड़ी है। बात नहीं, वो देखे ये अगर ऐसा हुआ तो इट इज अ वेरी सैड इंसिडेंट। किसके ऑर्डर पे ये सारा? किसी के ऑर्डर पे नहीं होगा, कोई खास ऑर्डर नहीं है। कोई भी जो पूरे लाहौर में जहाँ जहाँ पे भी होगा रास्ता ब्लॉक होगा। एक डेढ़ माह से देख रहे हैं कि तरीके से आपको पूरा हमने देखा कि हर जगह पूरा लाहौर जी टेक्निकल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये आपने जो सवाल किया ये मेरे तो वेद में सवाल नहीं करता। पूरे लाहौर में पुलिस लगाने का मकसद क्या है? वो मैं उसका कमांडर नहीं हूँ, मैं इस एरिया तक लेता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। बड़े तेज पढ़ रहे हैं, ओले बड़े तेज फड़ रहे हैं नाजी, ओले बड़े तेज फड़ रहे हैं। पंजाब जो पुलिस है